नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मंदिर तोड़ने और उसके बाद विवादित स्थल पर दोबारा से मंदिर निर्माण कराने के मामले में आखिरकार गाज गिर गई और पुरानी बस्ती थाने के थानेदार योगेश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। ये पूरा मामला अब शासन में पहुंच गया है। प्रॉपर्टी डीलरों ने पहले मंदिर को गिरवाया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता दबंगई के बल पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और बस्ती का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनके सामने नतमस्तक हो गया है। दरअसल मंदिर तोड़ने वाले प्रॉपर्टी डीलरों ने तो कानून तोड़ा ही, अब विश्व हिंदू परिषद के नेता भी पुलिस के नाक के नीचे कानून और कोर्ट का मजाक उड़ाते हुए जबरदस्ती विवादित स्थल पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। मामला तूल पकड़ता देख जिले के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मगर किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि अवैध तरीके से बनाए जा रहे विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण कार्य को रोक सके। बस्ती मंडल के आईजी, एसपी, एसडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम सहित डीएसपी खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, मगर बिना किसी कोर्ट या प्रशासन के आदेश के हो रहे निर्माण कार्य को होने से नहीं रुका। पहले तो पुलिस की नाक के नीचे और पुलिस की शह पर प्रॉपर्टी डीलरों ने विवादित स्थल पर बने तथाकथित मंदिर को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 48 घंटे के बाद पूरा मामला एक बार फिर से विवादों में घिर गया, जब विवादित स्थल पर विश्व हिंदू परिषद के नेता पहुंच गए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। इसी बीच वीएचपी नेताओं ने मौके पर गिट्टी, मोरमा और सरिया मंगवाकर भगवान श्री राम की एक फोटो रखी और आनन फानन में दोबारा से मंदिर का निर्माण कार्य चालू करवा दिया, जबकि इस मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश है। बावजूद इसके प्रशासन के नाक के नीचे 2 बार मजाक उड़ाया गया और जिम्मेदार आंख बंद कर किसी घटना का होने का इंतजार कर रहे हैं। थाना क्षेत्र पुरानी बस्ती में एक स्ट्रक्चर बना हुआ था 2 मंजिल का, जिसमें न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था। उसमें एक पक्ष द्वारा ऊपर वाले मंजिल पर एक मंदिर बना हुआ था, उसको जेसीबी से तोड़ दिया गया। उसमें स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें सीओसीटी द्वारा प्रकरण की जांच की गई तो थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती द्वारा समय से मौके पर न पहुँचना और उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं देने के। वहीं फतेहपुर जिले के ग्रामीण युवाओं में खेलकूद भावना को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन के तहत अमोली विकास खंड रोटी ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा एक बड़ा खेल का मैदान बनाया जा रहा है। इस खेलकूद मैदान में आधुनिक खेल के उपकरण भी लगाए जा रहे हैं, जो क्षेत्र का सबसे बड़ा खेलकूद मैदान होगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर के टूर्नामेंट भी आयोजित किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद की भावना को जगाने और उन्हें खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेलकूद मैदान बनाने का जो निर्णय लिया, उससे ग्रामीण बच्चे भी खेलकूद प्रतियोगिताओं से सीधे जुड़ सकेंगे। खेलकूद का मैदान जो सरकार की मंशा है, क्योंकि आदित्यनाथ जी की ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए भी खेलकूद का मैदान बनाया जाए, तो उसी के अंतर्गत हमारे भी विचार में आया तो अपनी रोटी ग्राम सभा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दरअसल चकबंदी ऑफिस मुंशीगंज रोड अमेठी में पेशकार घूस लेते वीडियो कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो में पेशकार घूस लेते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब जमकर वायरल हो रहा है। फारुखाबाद के कायमगंज में आयोजित हुई व्यापारी सम्मेलन में प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेन प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से व्यापारियों में जोश भरा और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आपको बता दें कि कायमगंज चटवाड़ा रोड स्थित सीपी सभागार में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री रविकांत गर्ग, साथ ही पीडब्ल्यू मंत्री जितेन प्रसाद पहुंचे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेन प्रसाद ने संबोधन में कहा कि मोदी कार्यालय के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं।
इन 9 वर्षों में देश में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो कोई भी विभाग क्यों न हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य किया गया है और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि रविकांत गर्ग ने कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड देश की समृद्धि में अपना अहम योगदान देते हैं। मोदी सरकार ने व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाएं लागू की हैं जिसका सीधा व्यापारी लाभ उठा सकेंगे। जो शुरुआत हुई है भारत को विश्व पटल पे जो उसका स्थान गौरव मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और आज जहां प्रधानमंत्री जाए जिस देश में जाए, और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तो एक ऐसा ही आयोजन था जब हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे थे मोदी जी, तो ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा वहीं पीलीभीत में बदमाशों ने मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से 2,91,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने मैनेजर को चाकू मार घायल कर दिया। घटना थाना अमरिया इलाके के लोहारगंज पेट्रोल पंप की है। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए हत्या का खुलासा किया है, साथ ही घटना में शामिल मास्टरमाइंड समेत 3 अपराधी गिरफ्तार भी किया है। अपराधियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल युवक ने अपनी प्रेमिका को 2 अन्य लोगों की मदद से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर श्रावस्ती दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमुना के राप्ती बैराज पर सरयू नहर परियोजना का अवलोकन किया। इसके साथ ही प्रेसवार्ता की नरेश सिंह तोमर इंटर कॉलेज भिनगा में लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत करेंगे, साथ ही कल सीता द्वार में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हरदोई में पिटाई से गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया, जिसके बाद महिला हाथ में गर्भपात हुआ भ्रूण लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने महिला को CHC में भर्ती करवाया। आरोप है कि 2 दिन पहले भाजपा नेता ने महिला के परिवार के साथ मारपीट की थी। मारपीट का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला सांडी थाना क्षेत्र के जटपुरा गांव का है। पुलिस ने भ्रूण को भी जांच के लिए भेज दिया है। रावण है, ये मेरी भाभी हैं, हम इनके देवर हैं। तो उस दिन कुलदीप सिंह के साथ हुआ था लफड़ा, और भाई मेरा मांगने गए थे पैसे, तो उस दिन हुआ था लफड़ा। तो मेरे भाभी को उधर के बच्चों ने और बड़े जो थे 10 साल 11 साल के थे वो सब बिंद के इनको बहुत विकट मारा था। उस दिन हम यहाँ थाने में भी आए थे, सांडी थाने में, तो कुतवा मुंशी साहब से हमने कहा था मेरी भाभी का भी नाम लिख लो, तो उन्होंने मेरा भाभी का नाम लिखने से मना कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 लाख के इनामी बदमाश गुड्डू मुस्लिम साबित की तलाश पुलिस STF भी कर रही है। पुलिस और STF की टीम एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है। उनकी खोजबीन के लिए तमाम रिश्तेदारों और करीबियों के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। STF सूत्रों के मुताबिक असद गुलाम अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर की जांच के कारण पुलिस थोड़ी ढीली हुई थी। अब फिर से गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश तेजी से हो रही है। हत्याकांड में शामिल एक अन्य सूत्र आरमान का भी अब तक कोई पता नहीं चला है। उसकी तलाशी में जल्द ही पुलिस की टीम बिहार जा सकती है। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है। वो कुछ दिनों तक जिले के आसपास के इलाकों में घूमता रहा, लेकिन जब उसकी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, उसकी तलाश में पुलिस की कई टीम लगाई गई, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के मेरठ घर पर भी देखा गया था। गुड्डू मुस्लिम बमबाज 24 फरवरी को धूमनगंज में उमेश पाल हत्याकांड के दौरान बम बरसाते हुए देखा गया था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें सुरक्षा में तैनात सिपाही राघवेंद्र की भी मौत हो गई। महुआ में युवक पर पड़ोस में रह रही युवती के साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप है।
इस मामले में पीड़िता के पति के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। मामला कुलपहाड़ क्षेत्र का है। जी, क्या घटना हो गई है? सर, जो हमारे मतलब 8 तारीख करीब 2 बजे के लगभग की घटना है। एक मतलब धीरन नाम का लड़का आया और दोनों तरफ तमंचा फांस गया था। मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को मतलब तमंचा चढ़ा दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको मतलब डाटा डपटा किया। किसी को बताया तो जान से मार देंगे, फलाना ठिकाना इस तरह से गली गलौज का तरह उसकी मारपीट भी की। सर, चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में अज्ञात युवती का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि शव को एक बोरे में बंद किया गया था। मृतक युवती की अब तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। युवती की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। युवती के गले में काले धागे में राधा कृष्ण का लॉकेट मिला है, जिसके माध्यम से पुलिस पहचान का प्रयास कर रही है। खटीमा विकास खंड की चकरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सानिया नाले के पास एक कार और 2 स्कूटियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 स्कूटर पर सवार 3 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले 4 लोग खटीमा के निवासी थे, जो नेपाल से अपने रिश्तेदारों से मिलकर लौट रहे थे। वहीं कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस दुर्घटना में खटीमा निवासी 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने 4 मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले का आरोपी कार चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। नकपुर रोड पर चकरपुर चौकी क्षेत्र में पड़ता है, एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक 4-व्हीलर से 2 स्कूटियां टकरा गई हैं। और जो स्कूटी में जो सवार थे, उनको जब यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और जो कार चालक है, उसकी तलाश जारी है। लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सक्रिय होते दिख रही है, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेस चिकित्सालय कोटद्वार में पहुंचकर अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री एसएस नेगी ने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में कांग्रेस को सरकार बनी, इस अस्पताल का संयुक्त चिकित्सालय से उच्चीकरण कर बेस चिकित्सालय में तब्दील किया गया और जो भी सुविधाएं बेस चिकित्सालय में होनी चाहिए थी वो उपलब्ध कराई गई। इस बेस अस्पताल में डॉक्टरों के 58 पद स्वीकृत किए गए थे, जिसकी सापेक्ष इस समय लगभग 20 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। जब क्षेत्र के विधायक कोटद्वार की जनता के स्वास्थ्य के प्रति ही संवेदनशील नहीं है, तो क्या उम्मीद प्रदेश सरकार से लगाई जा सकती है? अगर जल्द ही प्रदेश सरकार अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं करती है तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। जिला मुख्यालय पहुंचने पर सीएम धामी का फूल और मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मुख्य सेवक आपके द्वार के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों के 136.99 करोड़ रुपये की लागत की 94 योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं 210.11 करोड़ की लागत के 56 योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। आज लगभग 350 करोड़ की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन सब योजनाओं के पूरा हो जाने पर और इन योजनाओं के बनने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी क्षेत्रों में, चाहे आवागमन हो, पार्किंग हो, स्कूल हो या हमारे अस्पताल हो, सभी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और एक विकास के एक नए युग का यहाँ पर सूत्रपात होगा और हम यहाँ के लिए संकल्पबद्ध हैं। खटीमा
क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन का परिवहन करते हुए मिट्टी माफियाओं की 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर कार्रवाई की गई है। खटीमा क्षेत्र से अवैध मिट्टी का खनन बहुत ही जोरों शोरों पर क्षेत्रीय मिट्टी माफिया द्वारा किया जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह द्वारा अवैध मिट्टी खनन करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मिट्टी माफिया की 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया गया है। सभी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने हरिद्वार के जगतपुर से 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने श्यामपुर में आकाश जैन के घर रात के समय ताला तोड़कर 5 लाख की नकद और लाखों के गहने चोरी किए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 45,000 नकद, चोरी के गहने और बिना नंबर प्लेट के 2 बाइकें बरामद की है। आरोपियों की पहचान सोनू, राहुल और जॉनी के रूप में हुई है, जो पूरनपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो अपने चौथे साथी अभिषेक के साथ 2 बाइकों पर 4 जून को ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे। रात को हरिद्वार जाते समय उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। श्यामपुर क्षेत्र में एक चोरी घटना घटी थी 4-5 जून को। उसमें लगभग 6 लाख के जेवरा एक जो है लगभग 5 लाख की जो है चोरी हुई। इसमें 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जब हमने इसकी तहकीकात करी, उसमें पता नहीं सुराग से किया गया, सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया, तो उसमें 4 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें 3 सोनू है, राहुल है, जानी है। ये दोनों खानपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं। वहीं खटीमा के कुटरी में पहली बार युवक मंगल दल द्वारा नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी के द्वारा फीता काटकर किया गया। साथ ही खिलाड़ियों से परिचय भी किया गया। ये टूर्नामेंट आयोजित समिति द्वारा पहली बार कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में लगभग 100 टीमें प्रतिभाग करेंगी और ये टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे से दूर कर खेल से जोड़ने का है। इसी पर विधायक भुवन कापटी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट से कहीं ना कहीं युवाओं को नशे से दूर खेल के नज़दीक लाने का कार्य आयोजकों द्वारा किया जा रहा है और मेरा भी यही मानना है कि अगर युवा खेल की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हैं तो नशे से कहीं ना कहीं दूर होते जाएंगे और नशा मुक्त भारत बनने में एक अहम भूमिका रहेगी। ग्राम सभा में वॉलीबॉल का आयोजन हो रहा है, जो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जिस हिसाब से लोगों की तादाद यहाँ पर देखने वालों के पहले दिन आई है, तो उससे पता चलता है कि लोगों के अंदर उत्साह है। और युवक मंगल दल को हर जगह ये जो आज नशे की ओर युवा जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए खेल की ओर ले जाने का काम करना चाहिए। ये जोशीमठ हेलंग के पास नदी में फंसे युवक को पुलिस और एसटीआरएफ के जवान द्वारा रेस्क्यू कर सकुशल वापस लाया गया। शनिवार को ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति नदी में फंस गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीआरएफ के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर व्यक्ति को रस्सी की सहायता से वापस लाया गया। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने बताया कि वो नदी के बीच चला गया था और वापस आने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा था। वो सड़क निर्माण कार्य कराने वाली संस्था में मजदूर का काम करता है। हिमालय क्षेत्रों में लगभग 16,800 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोही का एक विशेष दल 10 जून को रवाना होगा और फूलों की घाटी होकर गमथाली निकलेगा। इस पर्वतारोही अभियान का समापन 17 जून को गमथाली में किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना के आला अधिकारी के सहित कई उच्च अधिकारी पहुंचेंगे। इस दल का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में हो रहे पलायन को रोकना है, ताकि सीमावर्ती इलाकों में साहसिक खेलों को बढ़ावा मिल सके। पहले मैं पिछले जो हमारा एक्टिविटी चला है इससे पहले उसके बारे में बताता हूँ। तो ये एक जो प्रोजेक्ट है, ये इंडियन आर्मी और क्लॉ ग्लोबल, जो कि वेटरन्स है स्पेशल फोर्सेस के, इनके बीच में सांझगांठ होके फिर ये जो इवेंट हो रहा है वो एक साथ हो रहा है। ये इवेंट जो सोल ऑफ स्टील, इसका जो नाम है, नाम से आप पता कर सकते हो कि इसमें बेसिकली एंडोरेंस होगा, फिजिकल पार्ट होगा, बट यहाँ तक ये सीमित नहीं है। इसका जो मकसद है, वो मकसद पहली बात तो है कि एडवेंचर को बढ़ावा देना, और एडवेंचर को इस तरीके से बढ़ावा देना। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हरिद्वार में हम शंकराचार्य
और साधु संतों से मुलाकात कर बजरंग दल पर की गई मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बयानबाजी के लिए वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बजरंग दल पर बयान देकर अब वो मुसीबत में फंस गए हैं। खड़गे को मानहानि मामले में संगरूर की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। खड़गे को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस मिला है, जिसमें हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए मानहानि की याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से करते हुए मानहानि की है। केस पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को समन जारी करते हुए 10 जुलाई 2023 को संगरूर अदालत में तलब किया है। हितेश भारद्वाज द्वारा बताया गया कि अदालत ने समन जारी किया है। हमारे गुरु महाराज के सानिध्या में हम लोग देवभूमि बजरंग दल हिंद की टीम जो है हिंदू सुरक्षा परिषद की टीम, साथ में मेरे पंडित निपुण भारद्वाज जी हैं, गौ रक्षा जो हमारी टास्क फोर्स है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शंकर भारद्वाज जी हैं जो हमारे जो है बजरंग दल हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और हमारे गुरु महाराज थानापति मणिमहेश जी के साथ में हम लोग हरिद्वार सभी साधु संतों शंकराचार्य से मुलाकात का कार्यक्रम है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में व्यापार मंडल द्वारा गंगोत्री बाजार पूरी तरह से बंद किया गया। वहीं व्यापार मंडल के तमाम लोगों का आक्रोश जिला प्रशासन से जता रहे हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि यहां पर रोज व्हीलचेयर की सेवाएं दी जाती हैं और वो उन यात्रियों को दी जाती हैं जो चलने में असमर्थ हैं। यहाँ की स्थानीय समिति निःशुल्क व्हीलचेयर सेवा शुरू की थी। अब कहीं ना कहीं इस साल नगर पंचायत गंगोत्री द्वारा व्हीलचेयर को टेंडर प्रक्रिया करते हुए यहाँ के स्थानीय लोग और व्यापार मंडल स्थानीय समिति जिला प्रशासन की इस टेंडर प्रक्रिया से काफ़ी गुस्सा और प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि व्हीलचेयर की जो टेंडर प्रक्रिया है इसे ख़त्म की जाए और जितने लोग बाहर से गंगोत्री धाम का रुख कर रहे हैं इनका वेरिफिकेशन कराने की मांग व्यापार मंडल द्वारा किया जा रहा है। सीपीएल फाउंडेशन की ओर से ब्लॉक सभागार में देहरादून के विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में 2 टॉपर छात्र छात्राओं को संस्था के डायरेक्टर रजनीश बत्रा के द्वारा लैपटॉप वितरित कर सम्मानित किया गया। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कोटी मैचक की ग्राम प्रधान रेखा बहुगुणा के नेतृत्व में 50 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को CPIL संस्था द्वारा लैपटॉप प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये CIPL फाउंडेशन दिल्ली का है जो हमेशा ही कई वर्षों से बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है हमारे क्षेत्र में। इस बार इस कार्यक्रम को हमने थोड़ा विरोध करने की कोशिश की और डोईवाला के ब्लॉक सभागार में इसे किया है, जिससे कि हम आसपास के सारी राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों को कवर कर पाए। तो हमारा उद्देश्य है कि जो राजकीय इंटर कॉलेज में टॉपर बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड, उनको एक लैपटॉप देकर उनको सम्मानित किया जाएगा मेधावी छात्रों का। वहीं गुजरात के अमरेली में राज्य सरकार द्वारा स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत सिटी सिविक सेंटर की स्थापना की गई, ताकि लोग अपने घर पर तेजी और पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठा सके। इन केंद्रों के माध्यम से गुजरात की सुशासन और ई गवर्नेंस सरकार नागरिकों को उनके दरवाजे पर आसान तरीके से सुविधाएं प्रदान कर रही है। अमरेली में तैयार अत्याधुनिक सिविक सेंटर के ई उद्घाटन का कार्यक्रम गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ है। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के डिप्टी चीफ दंडक कौशिक वैकारिया भी उपस्थित थे। इसके साथ ही गुजरात के 22 नगर पालिकाओं में सिटी सिविक सेंटर भी ई लॉन्च किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।